नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज हम चर्चा कर रहे थे लैब असिस्टेंट के कोर्स की। इस सीरीज में हम बात कर रहे थे वर्गीकरण के बारे में, जिसका आज हम सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है संघ पोरीफेरा। तो संघ पोरीफेरा से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उन सब का कलेक्शन यहाँ किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जो स्पंज का शरीर किसका बना होता है। तो स्पंजों का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है। तो केवल एपिथीलियल ऊतक जो होता है उसका बना होता है। ये जो ऊतक है ये सबसे ऊपर पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के स्पंजों के नाल तंत्रों में पाए जाने वाला समान वेश्म वेश्म कहलाता है। तो ये कहलाता है रेडियल वेश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लक्षण द्वारा स्पंज अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं। तो इनमें कौन सा लक्षण जो है वो पाया जाता है जिसके कारण जो स्पंज होते हैं वो अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं। तो ये पाई जाती है इनमें कीप कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंटिका नहीं है। तो कौन सी कंटिकाएं नहीं है। तो कंटिकाओं के ये प्रकार होते हैं लेकिन ये वाली नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाड्रेक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नहाने के स्पंज का शरीर सूख जाए तो क्या चीज शेष रह जाएगी। तो उसमें रह जाएगी स्पॉन्जिन तंतु, ये केवल उसमें शेष रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किस जंतु की वयस्क अवस्था स्थिर होती है किंतु लार्वा अवस्था स्वतंत्र रूप से तैरती है। तो ये होता है स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप कोशिकाएं होती हैं तो इनको हम कहते हैं कोएनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोएनोसाइट मिलती कहाँ पर है। तो ये मिलती है एंडोडर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजों का जो मुख्य लक्षण होता है वो क्या होता है। तो स्पंजों के अंदर बहुत से मुख किंतु बाहर का मार्ग एक होता है और इसमें नाल तंत्र पाया जाता है और कोएनोसाइट भी पाई जाती हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसोलिनिया एवं अन्य स्पंजों में भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इनमें जो भोजन ग्रहण की क्रिया होती है वो होती है कोएनोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्यूल का क्या कार्य होता है। तो जेम्यूल्स जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजों का कंकाल किसका बना होता है। तो स्पंजों का जो कंकाल होता है वो बना होता है हमारे क्विलीरोब्लास्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस लक्षण में स्पंज अन्य मेटाजोआ जंतुओं से भिन्न होता है। तो ये होता है कि अनेक मुख एवं एक बहिर्मार्ग इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकोसोलिनिया होता है। तो ल्यूकोसोलिनिया जो है वो स्थिर होते हैं, संघीय होते हैं और समुद्रीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि ओस्कुलम के निकट कार्बन का कण रखा जाए तो यह वहाँ से दूर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें प्रचलन नहीं होता है। तो कौन है जिसमें प्रचलन की क्रिया नहीं होती है। तो वो होता है ल्यूकोसोलिनिया, इसमें प्रचलन की क्रिया नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरोसाइट कोशिका का क्या कार्य है। तो जो पोरोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो क्या कार्य करती है। तो वो स्पंजों के अंतर्गामी
जल की धारा बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, ल्यूकोसोलिनिया के शरीर में जल की धारा का मार्ग क्या है? तो इसमें जो जल की धारा का मार्ग होता है वो होता है डर्मल ओस्टिया, उसके बाद गैस्ट्रल ओस्टिया, उसके बाद स्पंजोसील और उसके बाद ओस्कुलम। तो ये वाला जो पैटर्न होता है ये जल की धारा का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ल्यूकोसोलिनिया का नाल तंत्र किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो नाल तंत्र पाया जाता है वो होता है एस्कॉन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरोसाइट किस जंतु में होता है? तो जो पोरोसाइट्स होते हैं वो स्पंज के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें दिया गया है कि स्पंज का अंतः कंकाल किसका बना होता है? तो स्पंज का जो अंतः कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं, सिलिका की कंटिकाएं तथा स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज के शरीर में निरंतर जल की धारा बहती रहती है जो सहायक होती है, तो ये जो जल की धारा है वो सहायता किसमें करती है? तो वो करती है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण व प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया गया है कि साधारण नहाने का स्पंज जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसको हम कहते हैं यू स्पॉन्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जंतु के शरीर में भोजन के लिए जल की धारा बहती रहती है? तो वो होता है स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसोलिनिया में होता है तो एस्कॉन प्रकार का नल तंत्र पाया जाता है ल्यूकोसोलिनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पंजों में श्रम विभाजन होता है क्योंकि कोशिक श्रम विभाजन होता है, कौन सी कोशिकाएं प्रजनन में भाग लेती हैं? तो इनमें जो प्रजनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं ये होती है आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजोसील का भीतरी स्तर किसका बना होता है? तो ये बना होता है कोइनोसाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसोलिनिया में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है? तो होता है भोजन रक्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेनकाई मूला किसका लार्वा है? तो पेरेनकाई मूला जो लार्वा है वो होता है ल्यूकोसोलिनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोसोलिनिया में सम्मिति होती है, तो ल्यूकोसोलिनिया में जो सम्मिति पाई जाती है वो पाई जाती है अरगी सम्मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो उसको किया गया है कंटिकाओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पंजों के विभिन्न नाल तंत्रों में पाए जाने वाला समान वेश्म कहलाता है? तो ये कहलाता है पैरा गैस्ट्रिक गुहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पंज के शरीर में जल की धारा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है कोइनोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज का मुख्य लक्षण होता है, तो स्पंज का मुख्य लक्षण होता है कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है तो ये है पेरेनकाइमूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अपवाद स्पंज के लिए सही बात क्या है? तो इसके लिए जो सही बात होगी कि इनमें कशाभिक कोलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है तो कौन सा स्पंज जो है वो हानिकारक होता है? तो वो होता है क्लायोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्किश नहाने का स्पंज है तो ये होता है क्लायोना। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ आ जाएगा एनिलिडा पोरीफेरा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोइनोसाइट किसकी कोशिकाएं हैं? तो जो कोइनोसाइट्स हैं वो स्पंज की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी नहाने का स्पंज होता है तो यू स्पॉन्जिया नहाने का स्पंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पंज की स्पंजोसील स्तर होती है तो ये होती है कोइनोसाइट से। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, साइकोन ऐसे जंतु की श्रेणी में रखा गया है जिसकी व्याख्या की गई है तो ये होता है बहुकोशिकीय ऊतक संगठन के बिना।
ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के इस टॉपिक में हम इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।